हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। हाँ, अभी आपका जो ये चैप्टर टू है वोल्टेज, ओके, गुजराती मीडियम का नोट्स रखा है, पता है। टेंशन नहीं ले, तुझे पूरा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाऊंगा, सिर्फ दिखा रहा हूं कि चैप्टर टू वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस, ये जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, अब उसका न्यूमेरिकल्स का टर्न है। कितना जो पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी तक पढ़ा है कि डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वहां तक हमने पढ़ा है। अब उसके न्यूमेरिकल्स की टर्न है, तो न्यूमेरिकल्स सीखने से पहले आई थॉट कि आपको वन शॉट रिवीजन मिल जाए तो थोड़ा मजा आ जावे, है ना। हाँ, उसी वन शॉट रिवीजन के लिए अपन आज का लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। चल स्टार्ट करते। सबसे पहले तो इसको मत देख, ये तेरे काम का नहीं है, इसको साइड में रखते हैं, सीधा अपन डायरेक्ट सीखते हैं। नोट्स बनाने का नहीं मिलता रे टाइम यार। तुम बोलोगे सर गुजराती मीडियम का बनाते हो, हमारा नहीं बना है। ए भाई, पहले ऐसा भी हुआ है कि इंग्लिश मीडियम का बनाया था, उसमें से गुजराती मीडियम वालों को पढ़ाया था, तो उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ कि सर गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम है, तुम ही सब ये करते रहते हो बकवास। मेरे तो सारे बच्चे इक्वल है रे, लेकिन जब जैसा माहौल होता है वैसा काम हो जाता है, ठीक है। चल देख, स्टार्ट करते अपन। सबसे पहला अपना रैपिड रिवीजन। देख, वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस रैपिड रिवीजन। तो ये जो मैं नोट्स बना रहा हूं ना तेरे सामने, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेगा ना तो तेरा बहुत सारा काम ऐसे ही हो जाएगा। देख, सबसे पहला पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स, रैपिड रिवीजन का मतलब चैप्टर में क्या पढ़ा है, ग्रेविटेशन फोर्स, फिर स्प्रिंग फोर्स है ना, फिर मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। क्यों है कंजर्वेटिव, तुमने सीखा हुआ है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन इसलिए दिया कि वन मार्क का इंपॉर्टेंट बीएसक्यू या एमसीक्यू बन सकता है कि एग्जाम, इसलिए दिया। इन फील्ड में आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो पाथ कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो इज नॉट इंपॉर्टेंट, पोजीशन कहां से कहां जा रही है बस उसी पे वर्क डिपेंड करता है, इसलिए इनको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, हमने थियरी में प्रूव भी किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख, एक्चुअली क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल को लेके जाना है, या चार्ज पार्टिकल उसको सपोज आर से पी तक लेके जाना है इधर, तो जो वर्क लगता है ना उसका फॉर्मूला ये रहा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, और ये फोर्स एक्सटर्नल हम बाहर से दे रहे हैं ना, तो एक्सटर्नल फोर्स, ओके। अच्छा, इस फोर्स को कितना देना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना फोर्स बना रहा है उतना ही फोर्स हमको बाहर से देना है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और हमारा फोर्स मिलकर जीरो हो जाए तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, है ना। हाँ, तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ही होता है, तो इसकी जगह हम क्यू ई भी लिख सकते हैं। अरे यार, मैं ये ग्रेविटेशन जोन होता तो एफ की जगह एम जी लिखते ना, ये इलेक्ट्रिक जोन है तो एफ की जगह क्या लिखेंगे, क्यू ई। हाँ, तो इतना वर्क लगता है, लिमिट डाल दे आर से पी तक का, और अपोजिट में जा रहा है माइनस करना है तो भी कर दे ले, बस खुश, ओके। चल अब पोटेंशियल वाली मैटर, इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल, ये पेन धोखा नहीं देनी चाहिए भाई, इंक खत्म हो रहा है इसका, लोग अच्छा अमीरों वाला पेन लेके आते हैं। इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था, सेम ये जो है ना इधर, कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो वर्क ऐसा लगता है। अब इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल में यह था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फानाइट से किसी पॉइंट पे लाना इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तो सेम मैटर है, सिर्फ फर्क क्या, यूनिट आ गया ना, तो ये जो पुराना फॉर्मूला अभी तू देखा क्यू डॉट डी आर वाला, यूनिट है तो डिवाइड बाय यूनिट चार्ज मतलब डिवाइड बाय क्यू कर दो तो क्यू क्यू गॉन, तो ये क्या हो गया, वोल्टेज पोटेंशियल बोलते इसको, ई डॉट डी आर, समझा कि नहीं। हाँ, तो फिर और लिमिट क्या है, इन्फानाइट से पी, मतलब क्यू चार्ज को लाना है तो वो वर्क
पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है, लेकिन यूनिट चार्ज को लाना है तो डिवाइड बाय क्यू हो जाएगा, तो सिर्फ इतना आएगा, तो ये वोल्टेज बताएगा, नेगेटिव कर ले ले बस, क्लियर। हाँ, अब इसके बाद हमने क्या देखा था, तो इसके बाद हमने देखा था, इसका तो स्क्रीनशॉट ले ले रहे भाई, रुक, हाँ, 1, 2 एंड 3। हाँ, अब देख अलग अलग शेप के पोटेंशियल डिस्कस कर दे। जैसे सबसे पहला है पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, तो ये रहा जैसे देख पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, क्यू से कुछ डिस्टेंस पे वोल्टेज क्या होता है, के क्यू बाय आर, जानते रहे हम, है ना। अच्छा, इसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो हमको ये भी पता है कि ई और वी में इतना ही फर्क है, ई में आर स्क्वायर आता है, वी में आर आता है, ठीक है। इसका बेनिफिट तुझे होगा ग्राफ में, क्योंकि देख वी का रिलेशन क्या बन रहा है, 1/r, ई का रिलेशन क्या बन रहा है, 1/r2। तो जब ग्राफ ड्रॉ करेगा ई और वी का डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो ये जो 1/r है ना, तो ये ग्राफ थोड़ा सा सीधा रहेगा, स्ट्रेट, और ये ज्यादा कर्व रहेगा, डीप रहेगा ना, आर स्क्वायर है। हाँ, तो देख जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ 1/r2, तो वोल्टेज का ग्राफ थोड़ा ऐसे सीधा रहेगा, यू ये वोल्टेज का ग्राफ, समझा? अरे समझा, ये देख ले, ये ले, दिख रहा है, ये रेड वाला है वोल्टेज का थोड़ा सीधा है, और ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का देख थोड़ा कर्व है ना, ये रिलेशन की वजह से। अच्छा, जो पोटेंशियल है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसके यूनिट होते हैं 12-31 MLTs का यूनिट तो होता है वोल्ट और जूल अपॉन कूलम। अच्छा, तुझे वो पोएम याद है, 11th में अपन पढ़ते थे क्या, VRC, इन तीनों का MLT तुझे रटवाया था, पहले तो समझाया था पूरा लेक्चर में, प्रूव करके दिया था, फिर आप लोगों ने बोला था अरे सर याद नहीं होता है, तो मैंने सिखाया था पोएम, चल आज फिर से वो पोएम बोलते हैं। 12-31 12-32 -12 42। हाँ, तो ऐसे इस पोएम को याद रख लेना, ये बहुत काम आने वाले, ठीक है। चल, अब नेक्स्ट अपना डिस्कशन बन रहा है, रुक जा, प्लान आउट प्लानिंग पेपर तो लेने दे। हाँ, पॉइंट चार्ज भी किया, अब दूसरा जो अपना डिस्कशन है, दूसरा डिस्कशन है वो है डाइपोल पे, डाइपोल का पोटेंशियल क्या होता है। तो देख भैया, ये रहा प्लस क्यू, ये रहा माइनस क्यू, ये पूरा डाइपोल तेरा बन गया, इसका लेंथ होता है 2a, जानते हैं ना हम इसको। हाँ, अब डाइपोल के इसको बोलते हैं एक्सिस और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, है ना। तो एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने देखा था, केपी कॉस बाय आर स्क्वायर, राइट ना। हाँ, फिर एक्सिस पे क्या देखा था, केपी बाय आर स्क्वायर, क्यों, अरे यार फिर कचरा कर दिया ना, देख ये एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, अब तू एक्सिस पे ही चला जाएगा ऐसे, तो एंगल तो जीरो हो जाएगा, एंगल जीरो होगा और यहां पे रखेगा वैल्यू, तो कॉस जीरो मीन्स वन, तो क्या बच जाएगा, केपी बाय आर स्क्वायर। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन पे जाएगा तू यहां से, यूं तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, दिख रहा है ये थीटा तेरा फैल के 90 हो जाएगा, 90 जैसे इधर रखेगा कॉस जीरो बना देगा उसको, तो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल होता है जीरो, समझा कि नहीं समझा, देख ले पूरा ड्रॉइंग, ये रहा ले मस्त दांसू, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ये रहा देख डाइपोल दिख रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू, 2a डिस्टेंस, आर, तो थीटा पॉइंट पे पोटेंशियल होता है केपी कॉस बाय आर स्क्वायर, एक्सिस पे होता है केपी बाय आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल लाइन पे होता है जीरो, है ना। अच्छा, इसका ग्राफ सोई सेम टू सेम, पॉइंट चार्ज होगा तो पॉइंट चार्ज में तो के क्यू बाय आर था, बाय आर तो थोड़ा सीधा रहेगा, देखिए ब्लू कलर का, और डाइपोल में देख अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, देख रेड कलर वाला दिख रहा है ना। हाँ, तो फिर अब देख पॉइंट चार्ज हो गया, डाइपोल हो गया, अब एक और एन चार्जेस का जो सिस्टम है, ए वन, ए टू और ये बहुत सारे, सपोज थ्री, इन सब की वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाय आर वन, इसकी वजह से होगा के क्यू बाय आर टू, इसकी वजह से होगा के क्यू बाय आर थ्री, होगा ना। तो फिर पता ही हमको, ये तो आता ही है छोटे बच्चों से, चल स्क्रीनशॉट लेना है तो ले 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 ले, तू भी याद रखेगा। हाँ चल,
अब देख एक और, तो हमने क्या सीखा, पॉइंट चार्ज सीखा, फिर डाइपोल सीखा, फिर बहुत सारे चार्जेस सीखा। अब एक और पॉइंट है, एक और डिस्कशन है, जैसे ये प्लेट है, इसमें बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या ये कोई लाइन है उसमें बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या ये कोई स्फीयर है उसमें बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब देख पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तुझे आता है, डाइपोल का भी आता है और बहुत सारे चार्जेस का भी आता है ना, ये तीनों पैटर्न आती है तेरे को, लेकिन ये नया पैटर्न है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का मैंने बताया था तेरे को यार, देख थ्री टाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपने यहां पे। कौन सा? लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है तो होगा रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। फॉर्मूला वही आएगा, वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। अब क्यू की जगह क्या ले लेगा, लेमडा डीएल इंटीग्रेशन, फिर इसमें के क्यू बाय आर इंटीग्रेशन सिग्मा डीए, पता नहीं सब। हाँ तो फिर देख लीजिए, ले स्क्रीनशॉट ले ले, बढ़िया। लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम पता है, गुजराती में लिखा है, तो तू कौन सा फॉरेनर है बे, देख लेना भाई। बोल रहा हूं नहीं हो पाई मेहनत मेरे से, कुछ तबियत ठीक नहीं था तो नोट्स उसका बना नहीं पाया, लेकिन लेक्चर देना जरूरी था अभी, तो कर डाला शूट। फिर भी प्रॉब्लम है तो लिखना कमेंट में। हाँ चल अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं हम लोग। देख नेक्स्ट लेवल थोड़ा धांसू है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, ले लिया ना। हाँ अब नेक्स्ट लेवल थोड़ा गजब है। क्या गजब है? हमने पॉइंट चार्ज सीखा अभी, डाइपोल भी सीखा, एन चार्जेस भी सीखा और डिस्ट्रीब्यूशन भी सीखा, चार पैटर्न सीखी। अब एक पांचवा आइडिया, सेल, स्फेरिकल सेल। तो सेल का फंडा बहुत इजी है, आप लोग सेल को कैसे रटते हो, रटना नहीं है। देख सीधा ऐसे सेल ड्रॉ किया, तीन जगह पे नोटिस कर, यहां पे मुझे पोटेंशियल जानना है, सरफेस पे भी जानना है और अंदर भी कहीं पे जानना है। ये देख इसका रेडियस हो गया आर, तीन जगह बताई ना, बाहर सरफेस पे और अंदर, तीनों जगह पे देखिए, वी आउटसाइड, वी ऑन सरफेस एंड वी इनसाइड, ये तीनों जगह पे पोटेंशियल जानने में हमारा इंटरेस्ट है। तो आउट ये देख पूरा चार्ज सेल है, हाँ चार्जेस हैं टोटल, ओके इसका पूरा का पूरा चार्ज मान ले क्यू है, क्लियर। हाँ तो ये सारा का सारा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उस वजह से हम इसको पॉइंट चार्ज की तरह ले तो यहां पे फॉर्मूला आएगा के क्यू बाय आर, क्लियर। ये डिस्टेंस को समझ लेते हैं आर, हाँ सिंपल। और सरफेस पे चाहिए तेरे को, तो ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस इतना हो जाएगा के क्यू बाय आर, ये हो गया सरफेस पे। अंदर चाहिए तो अपनी बात हो चुकी है कि अंदर कांस्टेंट रहता है और कितना रहता है, सरफेस जितना ही के क्यू बाय आर। क्यों? तो वीडियो देख ले पूरा, इसमें पूरा वीडियो दिया हुआ है सेल पे मैंने, हाँ ओके। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो रहते हैं, इसके अंदर देख इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। अब तेरे को बताता हूं कांस्टेंट क्यों रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो ये फॉर्मूला याद है तुझे, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीएक्स। अब ये अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ऑब्वियसली अब इसका मैथमेटिकल मतलब ये निकलता है, इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ये होता है कि डेरिवेशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज जीरो। मतलब किसी का डेरिवेशन जीरो हो रहा है तो वो खुद तो कॉन्स्टेंट होगा ना, हाँ। तो फिर तुझे चाहिए तो एक धांसू नोट्स दिखाता हूं, रे ये देख मस्त डिजाइन किया, हाँ कीरा देख, देख ले इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, और घर पे जब प्रिपरेशन करे ना तो ऐसे ही पूरा स्फीयर ड्रॉ करने का अच्छे से, और अंदर बाहर सरफेस पे तीनों जगह देखने का, देखिए रहा बाहर सरफेस पे और अंदर। अच्छा ये रह गया, हाँ बताना कि हम के क्यू बाय आर ले रहे हैं लेकिन क्यू में फंस गए, तो ये सेल है ना, तो क्यू की जगह हम सिग्मा ए ले सकते, देख दिख रहा है तेरे को सिग्मा ए, हाँ सिग्मा ए ले सकते हैं। अब इसका ग्राफ, तो ये ग्राफ हमने थियरी में डिस्कस किया हुआ है, देख लो सेल का ग्राफ दिख रहा है, ओके। अब एक नया चीज धांसू, बिल्कुल नया एकदम, जिसको हमने थियरी में नहीं पढ़ा था, चल दिखाता हूं ये रहा, हाँ ये है चार्ज गोला, गोला मतलब लड्डू, स्फीयर, पूरा सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर जैसे देख, ये सेल था, सेल पे सिर्फ सरफेस पे चार्ज ड्रॉ किया था मैंने, स्फीयर पे देख अंदर सब जगह ड्रॉ किए चार्ज, दिख रहे हैं
हाँ, तो चार स्पीयर अपनी थियरी में डिस्कस नहीं हुआ था दोस्त। हाँ नहीं हुआ था तो नहीं हुआ था, नहीं था तो नहीं किया बुक में। लेकिन आई टोल्ड यू इन दैट वीडियो कि आगे कहीं न्यूमेरिकल्स में या कहीं भी मैं इसका डिस्कशन करूंगा, तो आज उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, प्रूफ नहीं दूंगा। सॉल्व अभी नहीं करवाऊंगा, सॉल्व जी या नीट के लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है? उसके लिए तुझे वीडियो देखते रहना पड़ेगा। चल, तो स्फीयर के सिर्फ फॉर्मूले दे रहा हूं, प्रूफ सारे, डेरिवेशन सारे जो भी हैं वो जेडब्ल्यू नीट के लेक्चर में मिलेंगे आपको। ओके, चलो आ जाओ। देखो, चार्ज स्फीयर का पोटेंशियल तो बाहर देख इधर क्या होता है, के क्यू बाय आर। सर ये भी के क्यू बाय आर था, ये भी के क्यू बाय आर है, तो फर्क है रे। इसमें सिग्मा ए है, इसमें लो वी है कि नहीं फर्क? हाँ, ई सरफेस मैटर है, ई वॉल्यूम मैटर है। तो जब सरफेस मैटर होगा तो क्यू की जगह सिग्मा ए आएगा, जब वॉल्यूम मैटर होगा तो रो वी आएगा, ये फर्क है, ठीक है? फिर इसमें इनसाइड जो पोटेंशियल है, रुक थोड़ा नोट सेट करने दे, हाँ, अंदर का पोटेंशियल है वो सरफेस के जितना ही है के क्यू बाय आर, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अंदर का जो पोटेंशियल है वो के क्यू बाय टू आर थ्री माइनस आर स्क्वायर बाय रेडियस स्क्वायर। और इसमें देख, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, इसमें रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन जीरो, पता है ना? ये तो सब प्रूव करके दिया है मैंने चैप्टर वन में। हाँ ओके, तो अब नया क्या है? अरे बहुत नया, देख बताता हूं। ये जैसे तेरा पूरा स्फीयर है, ठीक है? स्फीयर के अंदर जैसे यहां से आर डिस्टेंस पे वोल्टेज क्या होता है, के क्यू बाय टू आर थ्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। अभी डिस्टेंस वेरिएबल है, थोड़ा दूर ले लो तो डिस्टेंस का पोर्शन बदल जाएगा, तो आंसर बदल जाएगा। तो ये वी अंदर है ना, वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट नहीं है, जबकि सेल में क्या था, कॉन्स्टेंट था, वी वेरिएबल है। अच्छा ये एक मिनट दोस्त, ये सेंटर से डिस्टेंस को आर बोलते हैं, तो मान ले सेंटर पे आ जाऊं तो सेंटर पे आ जाएगा तो आर जीरो हो जाएगा। अच्छा आर जीरो हो जाएगा इधर, तो फॉर्मूले में क्या बचेगा, देख के क्यू अपॉन टू आर, और ये जीरो है ना तो गया, तो सिर्फ थ्री बचेगा, देखिए रहा, समझा? तो तुझे सेल में तीन जगह के फॉर्मूले बताए, बाहर सरफेस पे और अंदर। स्फीयर में चार पैटर्न हुआ, बाहर सरफेस पे, अंदर और सेंटर पे, ये इन नहीं है, ये सेंटर पे, थ्री के क्यू बाय टू आर। ये फॉर्मूला पकड़ के रखना, इसका प्रूफ दूंगा उस दिन, तुझे ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? देख ले स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले ले, तू मस्त रेडी एकदम ड्रॉइंग के साथ। क्लियर? चल अब एक और डिस्कशन, फिर चैप्टर को खत्म करते हैं। डिस्कशन में इस बार ये है कि भाई इक्वीपोटेंशियल सरफेस क्या है? इक्वीपोटेंशियल सरफेस, अरे बबुआ, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो, हर एक जगह पे पोटेंशियल जैसे दो वोल्ट है, दो वोल्ट, दो वोल्ट, दो वोल्ट, दो वोल्ट ही होगा, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, अब जैसे यहां पे तू एक क्यू ले ले और उसके सराउंडिंग आर डिस्टेंस पे हर जगह पोटेंशियल तो इक्वली मिलेगा। जैसे इधर फाइव मिला तो इधर भी फाइव होगा, इधर भी वोल्टेज फाइव होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे मूर्ख, ये क्यू है और ये डिस्टेंस सबका सेम है, तो फॉर्मूला है ना के क्यू बाय आर, तो जब क्यू नहीं बदल रहा है, आर नहीं बदल रहा है, तो आंसर इक्वली आएंगे ना सब जगह। हाँ, अब इन सब पॉइंट को कनेक्ट कर और एक सरफेस बना, तो इसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, समझा कि नहीं? हाँ, अच्छा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, रुक थोड़ा कागज चेंज करते हैं, मजा आने वाला है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, रुक रे, रफ कागज लाओ, अच्छे कागज मत लाओ, उसमें नोट बनाएंगे अच्छे में। देख, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जानते हैं हम ये, इस पे तो पूरा डिबेट हो चुका है वीडियो में, है ना? हाँ, डिबेट नहीं रे, इन्फॉर्मेशन दिया था, वन साइडेड था, मैं ही बोल रहा था, तुम कहां बोल रहे थे, तो डिबेट नहीं था वो। हाँ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ई सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, मीन्स ई परपेंडिकुलर डी आर, ये रिलेशन पता है। इसकी वजह से तेरा जो वर्क है ना वो जीरो आएगा। कौन सा वर्क? इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को एक जगह से
दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क लगता है उस वर्क की बात, यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क लगता है वो जीरो होगा। कैसे? तो इसकी दो वजह है, देख दोनों वजह बताता हूं। पहली वजह, वर्क का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी आर। अब ई डी आर डॉट हटाएगा तो कॉस 90 आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। कॉस 90 आए तो हो गया जीरो, ले पूरा वर्क जीरो। दूसरी वजह यह है कि वर्क का फॉर्मूला ये भी तो होता है सर, क्यू डेल्टा वी। अच्छा, डेल्टा वी मीन्स वी टू माइनस वी वन। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यहां पे जो वोल्टेज है वही यहां पे होगा ना, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा। तो जब पोटेंशियल इक्वल ही होगा तो जीरो हो जाएगा फर्क, डिफरेंस, तो वर्क हो गया जीरो। इसका स्क्रीनशॉट ले, मस्त पूरी थियरी रिवाइज हो गई दीदी दासू लेवल से। चल ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अपनी बात हो चुकी है। हाँ, अब वी और ई का रिलेशन तो ये पता है ना, वेद से याद रखते हैं, हमारे याद रखना बहुत काम आने वाला है वेद। अब एक और चीज, इसका स्क्रीनशॉट लिया ना, कागज का मेरे इधर ही पढ़ेंगे। अब है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे डिस्कशन। तो हम जानते हैं कि दो पॉइंट के बीच में कोई चार्ज पार्टिकल को कहां ट्रैवल करेगा, तो चार्ज पार्टिकल हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ ट्रैवल करता है हमेशा, ये हम जानते हैं ना, हाई से लो की तरफ जाता ही हूं। पानी नहीं जाता, ज्यादा होता है वहां से कम की ओर जाता है ना। हाँ, तो सेम है, चार्ज पार्टिकल हाई से लो की तरफ जाता है। ठीक है, तुझे ले जाना नहीं पड़ेगा। मान ले तू इधर वोल्टेज 10 सेट कर और इधर 8 सेट कर, मतलब इन दोनों के बीच में 2 वोल्ट का फर्क है, ये हाई है लो है, तो ऑटोमेटिक पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है वो इधर से इधर दौड़ने लगेगा। तो उस दौड़ने के लिए उसको जो एनर्जी मिलती है ना, वो या तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करती है या काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है। हाँ, तो अब देख यहां से समझाता हूं तुझे। जैसे दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट का मतलब जैसे ये 9 वोल्ट है तो ये हो गया 8 वोल्ट। इस 1 वोल्ट के फर्क की वजह से चार्ज पार्टिकल यहां से यहां दौड़ेगा, तो दौड़ने के लिए उसको जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस आता है उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया इसका समझ। बोल, आया मजा कि नहीं आया? तो फिर यार कहां जरूरत है नोट्स की, बोल, जो गुजराती मीडियम का ऐसा डिजाइनर नोट्स बनाए, तुझे लगा कि उस नोट्स की जरूरत पड़ी तुझे? ऊपर से तुझे तो लाइव समझा है ना, उनको तो क्या था, ये नोट्स रखा था ना ऐसे, देख वीडियो में ऐसे नोट्स रखा, नोट्स में देख देख के भूल गए सिर्फ, और तुमको तो लाइव फिर से पढ़ा रहा हूं, तो किसको ज्यादा मजा आया? बोल, अब बोल, गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम में सर फर्क करते, बोल बोल। तो यार काम काम होता है, फर्क वर्क नहीं होता, जब पढ़ाने बैठो तब वो काम दिल से ही होता है, चाहे नोट्स हो नहीं हो, मैं खुद अपने आप में एक नोट्स हूं। ठीक है, चल अब आज का लास्ट डिस्कशन, आज का लास्ट डिस्कशन, अरे रफ पेज लाओ रे, अच्छे पेज नोट्स बनाने में काम आएंगे। हम घर बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना, क्योंकि तुम ही हो। चल भाई, पोटेंशियल एनर्जी, रुक कहाँ जा रहा है, गाना गाऊंगा छोटा सा तब मूड आएगा। हाँ, हे कृष्ण भगवान हल्या द्वारिका ने कई लीधो मणियारा के रोवेश के होवे होवे, लीधो मणियारा के रोवेश। बस हो गया, एनर्जी आ गया। चलो, ये अजीब है ना, मेरा गाना गा के एनर्जी आता है भाई, बचपन से ऐसा है। देख अब एक और डिस्कशन, ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके बीच का डिस्टेंस है मान ले R, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ये जो पूरा सिस्टम बना है उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2 upon R। वेरी गुड, आया मजा? हाँ, अब सर दो नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा का भी देख ले, जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, तीन जने, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी बनेगा K Q1 Q2 1 2 के बीच का डिस्टेंस। हाँ, प्लस इन दोनों के बीच का बनेगा K Q1 Q3 R13, फिर इन दोनों के बीच का बनेगा K Q2 Q3 upon R23। हाँ, तो ऐसे पूरे सिस्टम का पोटेंशियल, अभी तीन की जगह 300 हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, हमको तो पैटर्न आ गया ना। हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया है। ठीक है, ओके, अब तुझे लास्ट डिस्कशन पे ले जाता हूं आज की।
फिर एक अच्छे से गाने के साथ लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है? और स्पेशल सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू, हा हा हा। ये चल देख, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया। यस, कहा समझे? अब ई जॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखत रहा, ऊ के अंदर एक डायपोलवा रख दो आइसन, प्लस क्यू माइनस क्यू। वो जो डायपोलवा है उसका लेंथ है 2a, ठीक है? तो ये जो डायपोल है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो इस डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पीई कॉस थीटा। हाँ, और सर पूरा पढ़ाओ, क्यों बे? वीडियो में नहीं पढ़ा है पूरा, ये सिर्फ रैपिड रिवीजन है। हाँ, पीडोटी। लेकिन इधर एक सीखने वाली चीज जबरदस्त है, देख, बहुत दासू चीज है, तू फोकस करना, मजा आने वाला है तेरे को। ये जो प्लस क्यू है इस पे फोर्स इधर लगेगा क्यू ई, जो माइनस क्यू पे फोर्स इधर लगेगा क्यू ई। ये क्या दिख रहा है? ये दोनों फोर्स खींच रहे इसको, इस ये सपोज ये डायपोल है, एक जना यहां से खींच रहा है, एक ये जना यहां से खींच रहा है, तो डायपोल ऐसे घूमेगा ना, घूमेगा कि नहीं देगा? ऐसे ऐसा आवाज भी आएगा ना, हाँ घूमेगा, ठीक है? ओके, अब ये घूम चुका, अब तू इसको वापस अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर ले जाइय, जैसे ले जाके छोड़ेगा वो टॉर्क उसको वापस ऐसे कर देगा। मतलब तू जो मेहनत कर रहा है ना ऊपर ले जाने वाली, वो टॉर्क के अगेंस्ट कर रहा है। टॉर्क चाहता नहीं है कि ऊपर आए, टॉर्क चाहता है कि वो नीचे आए। ये दो फोर्स जो लग रहे हैं इनकी वजह से टॉर्क क्रिएट होगा, वो टॉर्क चाहता है कि डायपोल ऐसे घूमे, और तू चाहता है कि इसको ऐसे घुमाऊं यूं। तो तुझे वर्क करना पड़ेगा। हाँ, वो जो वर्क है उसका फॉर्मूला ये रहा, देख, पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। हाँ, ये फॉर्मूले से आएगा वो वर्क। अरे सच्ची बोल रहा हूं, अरे मजाक नहीं कर रहा हूं। थीटा वन थीटा टू क्या है? तो वो तो लोकेशन है ना, जैसे पहले डायपोल इस लोकेशन पे थी तो एंगल था थीटा वन, फिर तू थोड़ा ऊपर ले गया उसको, यूं हो गया थीटा टू, थीटा वन थीटा टू। क्लियर? अच्छा, अब डायपोल के अंदर अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले तू, कि डायपोल कब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कब अनस्टेबल है, ये रहा ना सारा सीन देख, उसका स्क्रीनशॉट ले। सब पढ़ाया मैंने वीडियो लेक्चर में कि जब पी और ई पैरेलल है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई मिनिमम होता है। जब पी और ई एंटी पैरेलल है मतलब 180 डिग्री पे, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, उस टाइम एनर्जी मैक्सिमम होता है पीई। जब पी और ई परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम अनस्टेबल, मैक्सिमम अनबैलेंस्ड होता है, तब पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका जीरो। तो आज का वीडियो भैया खत्म हो रहा है, तो वो चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले ले मस्त। हाँ, तू सच्ची बोलना, ये नोट्स देख के पढ़ा रहा था या ये ऐसे तुझे समझा रहा था? इसमें ज्यादा मजा आया ना, तो कमेंट में लिख कि सर ऐसे नोट्स देख के नहीं, इसमें डायरेक्ट ऐसे समझाओ लाइव, तो मजा आता है। लिख कमेंट में लिख। हाँ, क्या वीडियो के एंड में सर आपने बोला था गाना गाओगे? ये नहीं रे, अब फोन का मेमोरी हाई हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, अगले वीडियो में गाना गाएंगे। हाँ, चल बाय, टेक केयर, कमेंट में डालो, भर भर के कमेंट्स डालो, ठीक है? चलो बाय।